चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकुर्नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम में ने कहा, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वस्तु की जो जो विक्रय मूल्य था वो 900 रुपये था, मैंने उसे स्टार्टिंग में जो बेचा था वो 900 रुपये में बेच रहा था, बट वो कह रहा कि नहीं, अगर उसका उसको अब 80% पे बेचा जाए, यानी इसका 80% निकालूंगा तो कितना आएगा, 720 रुपये बेचा जाए, तो उसे हो रही है हानि कितनी, 10% की। तो 10% की हानि हो रही है, अगर मैं इसको 100 बाय में अगर 90 कर दूँ, 10% की हानि 90 कर दूँ, तो ये मेरे पास वो कितने में से खरीद कर लाएगा, 800 रुपये में। 800 रुपये की चीज़ है, अब वो बेच रहा है किस पे, कह रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू जो आपने वैल्यू मानी थी स्टार्टिंग में उसी पे बेच रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा आपका, 100 रुपये का। 100 बटे में कितना आएगा आपका, 800 इंटू में आपका 100 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो 2 4 2 8 और 4 25 100, यानी कि 12 सही 1/2% के प्रॉफिट पे उसको बेचेगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए अगर मुझे मान लिया कोई कोई जैसे कि मुझे एक एक्स कोस प्राइस दे रखा था और मैं उसे चाहता हूँ कि 10% की हानि बेचने पे, तो उसका 10% निकालूंगा फिर से माइनस करूंगा, यानी कि मैं इसे क्या करूंगा, 90 बाय में डायरेक्ट 100 कर दूंगा, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। और अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी था मेरा क्रय मूल्य, तो मैं क्या करूंगा, एसपी इंटू में ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर लॉस था तो इस 100 में से, अगर लॉस था 10% तो 100 में से 10 माइनस करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, प्रॉफिट तो जोड़ देता। तो यानी कि अगर मुझे एसपी दे रखा हो डायरेक्ट मैं इस तरह से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। भाई मैंने माना कि भाई उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना था आपका, 900 रुपये था एसपी, बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसे तो 80% पे बेचा गया, तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा, तो इसका 80% निकालेंगे यानी कि 80 बटे में आपका 100 करेंगे तो ये मेरे पास में 720 आएगा, बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस पे जब बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है, तो अगर मैं इसे 100 बाय में अगर 90 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, इससे कटूंगा तो 9 8 72 यानी 800 रुपये। अगर 800 रुपये उसका क्या है आपका, क्रय मूल्य यानी सीपी है, तो वो बेचना चाहता है उसे वापस 900 रुपये में, तो इसे अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 100 रुपये का, कितने पे हो रहा है आपका, 800 पे इंटू में 100 करेंगे आपका, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2% का क्या हो जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।